टिहरी जन क्रांति के नायक श्रीदेव ह्यूमन जी के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे सामने पास प्रोफेसर बलूरी जी हैं, आप बताएंगे श्रीदेव ह्यूमन जी का महत्व। आज उनकी पुण्यतिथि है और श्रीदेव ह्यूमन जी को सैल्यूट इस बात के लिए, एक आदर्श हैं। तो बलूरी जी बताइए। श्रीदेव सुमन टिहरी जन क्रांति के महानायक हैं। टिहरी में जो आज़ादी का आंदोलन, जो राजतंत्र था, वहाँ पर राजशाही थी, राजा के जो वहाँ पे बहुत सारे अत्याचार किए थे टिहरी रियासत पर। टिहरी रियासत दो जिलों में उस टाइम बंटी थी, उत्तरकाशी और टिहरी। उस रियासत में राजा का इतना कठोर दंड था कि कोई भी व्यक्ति हाई स्कूल से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता था। लेकिन श्रीदेव सुमन, जिनका इसी में एक श्रीदेव सुमन जो मूलतः बड़ोनी परिवार से हैं, उनका जन्म जौल चंबा के आसपास में हुआ और वो पढ़ाई के लिए गुपचुप ढंग से लाहौर की तरफ गए, वहाँ उन्हें पढ़ाई करके आए गए। उसी जनक्रांति में नागेंद्र दत्त सकलानी ये लोग थे जिन्होंने टिहरी के आज़ादी के आंदोलन के लिए बीड़ा उठाया और वो उन लोगों ने अध्ययन भार किया। भार में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो नायक थे, लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत साहब, उनसे संपर्क किया आज़ादी, इस बार टिहरी रियासत को आज़ाद मिली। लेकिन टिहरी राजा बड़ी कठोर सजा थी और उसी आज़ादी, टिहरी रियासत को आज़ाद करने के लिए राजा को बड़ा हुआ गया। कहीं अपने गुप्त स्रोतों से पता लगा कि ये भाई, ये लड़का श्रीदेव आज़ादी की बात कर रहा है, तो राजा थोड़ी सा ही अपने सत्ता को ख़त्म हो। उन्होंने टिहरी और श्रीदेव सुमन को गिरफ्तार कर लिया और 84 दिन की भूख हड़ताल पर कैद कर रखा। और देखिए, जो वेड़ी थी, लोहे की जो वेड़ी थी, वो 40 किलो की थी, हथकड़ियाँ जिसको आप, और वो जो संगल टाइप की होती लोहे की, पाँव से हाथें बंध रही थी, 40 केजी की थी, उसको कठोर एक काल कोठरी में, टेरी में, टेहरी जो पुराना शहर है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई 600 मीटर करीब है, तो इतनी गर्मी थी उस टाइम में, पंखा ना था, कहाँ खाना मिलता था। लेकिन सूर्यदेव ने इतने कठोर, उनका जो तपस्या जीवन था, 14 दिन की भूख हड़ताल की, ये पूरे विश्व में एक उन जन क्रांति कार्यों के लिए एक संदेश है कि भाई, ऐसा भी महापुरुष इस देवभूमि, हिमालय भूमि पर खड़ा हो सकता है। आंदोलन किया और राजा की सत्ता को फेंक दिया। फिर इधर देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया और जो हमारी टिहरी रियासत थी, 1 अगस्त 1948 को इसका विलय भारत में हुआ। तो इसमें इसकी विगुल लोकेंद्र दत्त सकल है, मूल भरदारी लोगों ने कीर्तनगढ़ में, जो उन पर उन्होंने गोली खाई अपने सीने पे, तो लोकेंद्र और जो जहाँ पे कीर्तनगर, जहाँ पे आज परगाना अधिकारी बैठते हैं, उप जिला अधिकारी बैठते हैं, वहीं पे वहाँ पे गोली कांड हो गया और एक गोली नागेंद्र सकलन की लगी, एक गोली मोलो भरदारी को लगी। दोनों की जो बॉडियाँ थी, जो दोनों के शव थे, उसको देवप्रयाग में नहाया गया, गंगा स्नान किया गया और उसके पूरे कंधों पे उस बॉडीज को लेकर टिहरी की तरफ चले। उस टाइम टिहरी के रियासत में महाराजा मानवेंद्र सहार जो सांसद थे और पूरी जनक्रांति, लोग अपने हाथ में लाठियां, डंडे और लट्ठी लेके चले, उससे आंदोलन किया। राजा को जो नरेंद्र नगर में बैठता था, मानवेंद्र सहार को पुरानी टिहरी में जो पुल था भागीरथी के ऊपर पड़ा था, इस तरफ मानवेंद्र सहार को नहीं आने दिया। कारण वो अपनी जो उनकी पद्मनी जो कार थी उसमें राजा बैठे थे, इधर नहीं यार, पूरा जुलूस भरदार पट्टी के, डागर पट्टी के, कड़कोट पट्टी के, बड़ियारगढ़ पट्टी के, खास पट्टी के लोग इस आंदोलन टिहरी को रियासत, टिहरी के आंदोलन में सबसे ज़्यादा जो आज़ादी, आज़ाद कराने में जो योगदान रहा वो खास पट्टी का रहा, क्योंकि दोनों की बॉडियाँ, मोलो सिंह भरदारी और नागेंद्र दत्त सकलानी की जो बॉडी थी, कंधों में लोग लेके, जनक्रांति लेके, जिसमें त्रिपन सिंह नेगी और ये अपना बीरजन सिंह गढ़वाली ये आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद ये लोग
पूरी बॉडी को आगे लेते चले और पीछे पूरा जन सैलाब उनके पीछे चला, उन बॉडी के पीछे, और फिर टेहरी में लोग इकट्ठा हुए पुराने शहर में और पूरा राजा को बेदखल कर दिया। फिर 1 अगस्त 1948 को यह राज्य या रियासत देश में विलय हुई। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बेहतरीन, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने समझाया, काफ़ी ज्ञानवर्धक है। ऑल द बेस्ट।